इस बीच मुंबई से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के एटॉप हिल इलाके में बड़ा हादसा हो गया है। वहां के कमला नगर इलाके में एक 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 के अंदर ही फंसे होने की आशंका है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है और देखिए सब कुछ क्षतिग्रस्त हो चुका है, सब कुछ जमीन दोज हो चुका है और किस तरीके से 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी है, 2 लोगों की मौत इसमें। हालांकि कितने लोग दबे हुए हैं यह अभी तक जानकारी नहीं मिली है। इसके लिए सर्च चल रहा है, सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीमें भी वहां पर मौजूद हैं मौके पर। किसी भी आपात स्थिति में एंटॉप हिल इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। भोपाल में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन की जा रही है। कुलपति के केबिन के बाहर छात्रों का रात भर प्रदर्शन देखने को मिला। एम फार्मा कोर्स की परीक्षा कराने की मांग चल रही है। 1 साल से एम फार्मा कोर्स की परीक्षा ही नहीं हुई है। कुलपति पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों की कुछ अहम मांगे हैं, उन मांगों को पूरा करने के लिए इस तरीके से प्रदर्शन अंधेरे में रात के किया गया। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, क्या इस मांग का संज्ञान लिया गया है कुलपति की तरफ से? अभी तो कल रात से जो स्टूडेंट्स हैं वो फिलहाल धरने पर डटे हुए हैं और कल देर रात तक इस पूरे मामले को लेकर कोई भी जो हल है वो नहीं निकल पाया है। और एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। समय पर परीक्षाएं ना होने के मामले में, विश्वविद्यालय की अन्य अनियमितताओं को मामले को लेकर ये पूरा जो प्रदर्शन है वो जारी है। और स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हम लोग लगातार कई बार पहले अन्य माध्यमों से भी, चाहे ज्ञापन हो चाहे एप्लीकेशन हो, सारी चीजों के माध्यम से पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। इसलिए मजबूरन हमें यहाँ प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, धरना करना पड़ रहा है, रात भर यूनिवर्सिटी में धरने में बैठना पड़ रहा है। आज का दिन जो है वो इस पूरे मामले के लिहाज से देखा जाए तो खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जब यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं, जो वीसी हैं, जो रजिस्ट्रार हैं, वो जब यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे तो उनकी संभवतः छात्रों से मुलाकात होगी। अब देखना होगा कि जो स्टूडेंट्स एनएसयूआई के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांगों को कितना पूरा किया जाता है और वो प्रशासन की जो आने वाले समय में कार्ययोजना रहेगी परीक्षाओं को लेकर, उससे कितने संतुष्ट हो पाते हैं। और प्रशासन की कोशिश जरूर रहेगी कि स्टूडेंट्स का जो धरना है, जो प्रोटेस्ट है, वो खत्म कराया जाए। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G7 समिट में शामिल होने के बाद भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के अलुपिया में आयोजित G7 समिट में हिस्सा लिया और वहां आउटरीच सेशन को संबोधित किया। उन्होंने अपनी इटली यात्रा के दौरान दुनिया के कई नेताओं से भी मुलाकात की है। इटली की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक अपुलिया में वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले। इस मुलाकात पर कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक की और उन्हें भारत को G7 शिखर सम्मेलन में बुलाने के लिए धन्यवाद कहा और साथ ही दोनों देशों के कॉमर्स, एनर्जी, टेलीकॉम जैसे कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर चर्चा की। पीएम मोदी यूके के पीएम ऋषि सुनक से भी मिले और सेमीकंडक्टर तकनीक और कारोबार के मामले में दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और कहा कि साल में ये हमारी 4थी मुलाकात है। दोनों नेताओं ने रक्षा सुरक्षा, तकनीक, AI और ब्लू इकोनॉमी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज से भी मुलाकात की और ये 6 तस्वीर दिखा रहे हैं जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के कई दिग्गजों से मुलाकात की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।